हरियाणा महिला प्रदेश के कांग्रेस की अध्यक्षता सुमित्रा चौहान द्वारा यहां आज करण लेक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान की कड़ी निंदा की, जिसमें उन्होंने कश्मीर की महिलाओं के बारे में बयान दिया था। सुमित्रा चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर आसीन मनोहर लाल खट्टर को महिलाओं के प्रति ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश की माँ बहन बेटियां एक समान हैं, इसलिए उन्होंने कश्मीर की बहु बेटियों पर बयान देकर गलत किया है, जिसकी महिला कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस मौके पर उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की श्रीमती सोनिया गांधी को अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर हरियाणा महिला कांग्रेस की ओर से शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में तेजी आई है और सोनिया गांधी एक ऐसी त्याग की मूर्ति है जिन्होंने लोकसभा में अपने नाम से बहुमत साबित करने के बाद प्रधानमंत्री पद को डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंप दिया। ऐसी त्याग की मूर्ति का दोबारा से कांग्रेस में अंतरिम अध्यक्ष पद पर आसीन होना प्रत्येक कांग्रेसी के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा की जाने वाली रैली के बारे में बताते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी को मजबूत करने के लिए यह रैली आयोजित कर रहे हैं, जिसमें सभी कांग्रेसी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है, सभी नेता अलग अलग से अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा जो 70+ का नारा दिया जा रहा है वह भारतीय जनता पार्टी का भ्रम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में अलग से हरियाणा प्रदेश के मुद्दे उठाए जाएंगे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाई जाएगी। इस मौके पर कांग्रेसी नेता जोगिंदर सिंह नली खुर्द, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष निशा रानी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री नीना राठी, विमला सिरोहा सहित अन्य महिला कांग्रेस से जुड़ी महिलाएं भी मौजूद रही। ये बात भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को उजागर करते है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्लोगन है उसको कहीं न कहीं स्वयं झुठलाती है। कथनी और करनी में फर्क महसूस होता है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहती हूँ आदरणीय खट्टर जी को, अपनी भाषा में बेटियों के लिए सम्मानजनक टिप्पणी की जाए, उनके आदर में बढ़ोतरी उनकी तरफ से की जाए और दिल से बेटियों का सम्मान किया जाए। बेटी तेरी हो या मेरी हो, पड़ोसी की हो या घर की हो, सबकी बराबर होती है। बेटी भविष्य है, बेटी कई घरों को रोशन करती हैं। बेटियों की सुरक्षा और सम्मान में लगातार इजाफे की आवश्यकता है। इस बात के लिए मैं आपके बीच में आई हूँ। हम इसके लिए विरोध जताते हैं, निंदा करते हैं, उनके जो बयान दिया है उसकी अवहेलना करते हैं। कड़ी निंदा हरियाणा महिला कांग्रेस की तरफ से इस बात के लिए। खट्टर साहब ने ट्विटर पे आज अपना डाला, पूरा भाषण डाला, उन्होंने अखबार में बयान दिया कि राहुल गांधी ने जो भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, मेरा भाषण सुने ऐसा उसको तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया। राहुल जी ने कोई तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया। मैंने आपको एक बड़ी वो सभी के पास है भाषण जो कश्मीरी का, क्या आपके परिवार की या मेरे परिवार की या मेरे पड़ोसी की बेटी को भाषा के शब्दों का चयन ठीक तरीके से करना चाहिए। मेरी इतनी विनती है, वो मुख्यमंत्री हमारे लिए भी उतने ही सम्मान है, लेकिन शब्दों का चयन जब किया जाए बेटियों के लिए, मेरा इतना सा विरोध है, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 18 तारीख को रैली कर रहे हैं, अच्छी बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री 10 साल रहे हैं, हम भी उसमें जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए रैली का बिगुल बजा रहे हैं। फिर एक यात्रा निकालेंगे, महिला सशक्तिकरण यात्रा, जिसमें मैं महिलाओं की आवाज़ उठाऊंगी। और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं वो महिलाएँ हैं। चाहे महंगाई की मार ले लो, चाहे बेरोजगारी की ले लो, चाहे सुरक्षा की ले लो, अगर बेटे को नौकरी नहीं मिलती तो सबसे ज़्यादा पीड़ित उसकी माँ होती है। अगर बाइक के तेल का भाव बढ़ता है तो भी उसको तकलीफ होती है, और सब्जी का दाम बढ़ता है तो भी महिला को। इसलिए हम तीन प्रमुख बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे।
बेरोजगारी बढ़ी है, धंधे कम हुए हैं आए दिन, महिलाओं के जो ग्राफ है आपके अपराधों का वो हरियाणा में निरंतर बढ़ा है। महिला सुरक्षा की बात, महंगाई की बात लेकर जाएंगे और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से चुनाव जीतेगी। सबसे पहले बेटों को रोजगार और पेट में रोटी सबको जरूरी चाहिए, दूसरी बात से बात। हरियाणा में कितनी सीटें बाहर निकल सकती? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।